Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. And To The Point ek aisi series hai jahan pe hum log current affairs ko discuss karte hain prelim point of view se ki aise kaun se current affairs hain जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और बहुत टू द पॉइंट तरीके से आपको उनको डिलीवर किया जाता है एंड उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं एंड वंस अ टॉपिक इज डन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन कंसीडर दैट टॉपिक डन फॉर योर प्रीलिम्स एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कि आपका प्री एंड मेंस दोनों का काम एक साथ हो जाए एंड इट्स नॉट अ बर्डन एनी मोर फॉर यू सो देयर इज दिस कोर्स करंट अफेयर्स का कोर्स है for pre as well as mains it is available in both offline as well as online format how this is covered is a three pronged strategy number 1 you get a class it is a weekly class saturday and monday ko class hoti hai uske preceding week ke jo current affairs hain wo isme discuss ho jate hain bahut acche tarike se dusra you get a weekly pdf aati hai jiske andar aapko us hafte ke current affairs bahut curated way mein aur idhar udhar se sari research karne ke baad mein aapke paas ek document aata hai and us pdf ke through jab aap ye pdf kar lete ho aapke current affairs jo hain wo cover ho jate hain number 3 you get weekly tests as well current affairs ke test hote hain to in teen cheezon ko mila ke you can consider ke aapke jo current affairs hain wo puri tarah cover ho gaye hain also you get a 7 days free trial for this इस कोर्स के लिए तो यू कैन चेक इट आउट 7 डेज फ्री ट्रायल इज देयर लिंक इज डाउन देयर यू चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द कोर्स है ना और उसके बाद में यू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ चलिए आगे चलते हैं अभी देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट हैज इमर्ज इसको कहा जाता है वायरोवोर वायरोवोर क्या चीज है वो अभी देखते हैं हम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है चलिए इसका जो सवाल है वो डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड भी आ सकते हैं थोड़ा घुमा के आ सकता है और आपको बस समझना है कि क्या चीज़ है बहुत छोटा सा करंट अफेयर है कोई ज़्यादा इसमें बड़ा मुद्दे वाली चीज़ है नहीं है अ वायरोवोर इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वायरसेस ठीक है ऑब्टेन्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वायरसेस को कंज्यूम कर रहा है तो जो वो करता है उसको वायरोवोर बोलते हैं काइंड ऑफ सिमिलर टू जैसे वो होता है ना हर्बीवोर कार्निवोर ओमनीवोर तो ये वैसा है एन ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम्स वायरसेस इज कॉल्ड वायरोवोर साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग रिसर्च टू फाइंड आउट वेदर एनी माइक्रोब्स एक्टिवली ईट वायरसेस है ना तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी और ये मिल भी गया दे फाउंड अ स्पीशीज ऑफ हॉल्टेरिया आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट बट कुछ ऐसा ही है इसका एक हॉल्टेरिया नाम की स्पीशीज है क्या है ये भी हम देखते हैं दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिलिएट्स दैट पॉपुलेट फ्रेश वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत इजीली मतलब हर जगह आपको फ्रेश वाटर में ये देखने को मिल जाते हैं हॉल्टेरिया दीज कैन ईट ह्यूज नंबर्स ऑफ इन्फेक्शियस क्लोरोवायरसेस और क्लोरोवायरसेस और इनका जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो कॉमन है क्या होते हैं क्लोरोवायरसेस वो भी देख लेते हैं क्लोरोवायरस ऑल्सो नोन एज क्लोरेला वायरस इज अ जीनस ऑफ जायंट देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट क्लोरोवायरस Which of the following correctly explains chlorovirus? It is genus of giant double-stranded DNA virus. इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है इन केस अगर आपके पास आता है DSDNA टेक्निकल भाषा में DSDNA वायरस है ना और ये किस फैमिली में है ये Phycodna viridae तो ये Phycodna viridae फैमिली के अंडर है और ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है कौन से वायरस जिसको हॉल्टेरिया जो है कंज्यूम करता है और बोथ एयर एंड एक्वेटिक हैबिटेट राइट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वायरोवोर की डेफिनेशन क्या है चलिए आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फाउंड टू प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स वो पहले वाले का आंसर आ गया कि हॉल्टेरिया एंड पैरामीशियम ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या चीज है दीज आर plankton organism right so if you are making notes this is something which needs to be highlighted can not only feed on viruses but also thrive by consuming them they can thrive by consuming them chaliye key significance dekhte hain isme
दिस मार्क्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंडिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फाइंडिंग विच हैज शोन दैट अ वायरस ओनली डाइट वायरस ओनली डाइट सिर्फ वायरस पे जो जिंदा है वायरस ओनली डाइट टर्म वायरोवोरी इज इनफ टू फ्यूल द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड इवन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगेन एक और टर्म है वायरोवोर एक टर्म था एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन वायरसेस वायरोवोरी कि जहां पे वायरस ओनली डाइट को वायरोवोरी कहा जाता है. तो दो टर्म्स आपके इस पूरे करंट अफेयर के अंदर टू द पॉइंट के अंदर जो है वो हाईलाइट हुए हैं. दीज न्यू फाइंडिंग मे चेंज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ वायरसेस प्लेड इन द फूड चेन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इससे जो है हमारी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के प्रति वायरसेस के प्रति जो कि इसको हम बहुत कम समझते हैं अभी कंपैरेटिवली उसके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर होगी और ज़्यादा डीप होगी. तो ये उस सेंस में इट इज सिग्निफिकेंट. चलिए सवाल देखते हैं, पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं यहाँ पे. आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स वायरोवोरी. It is a virus only diet. It is a diet that consumes viruses along with other microorganisms. It is a diet that does not include virus eating at all. It marks the presence of viruses in the digestive system. है ना, तो we know कि अभी हमने अभी चेक किया था इसको कि it is a virus only diet. तो अगेन अ क्वेश्चन अगर आपको पता है तभी आप इसको मार्क कर सकते हो और अदरवाइज इफ यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेल लेफ्ट राइट अनमार्क्ड. Otherwise, it falls under easy category. If you have seen this video or have read about it, so otherwise ये question एक unattempted question के form में रहेगा और एक difficult question के रूप में जो है इसको देखा जाएगा. Thank you very much. My name is Rohit Garcha. This series is called To the Point, and you are watching Abhimanyu IAS.